Today, we will discuss about the effects of water and dietary fiber. Okay, what is the effect of water and what are the dietary fiber and उसका हमारी body पे क्या effect होता है, ठीक है? अगर हम थोड़ा सा देखें तो water and dietary fiber basically they are not considered as nutrients but they play very important role in our body, in our life, ठीक है? सबसे पहले हम देखते हैं कि what actually is the effect of water in our body. तो पानी या वाटर हम अगर हम देखें तो हमारी जो मोस्ट ऑफ बॉडी है दैट इज मेड अप ऑफ वाटर. अबाउट 60% से 70% जो एडल्ट ह्यूमन बॉडी है दैट इज कंपोज्ड ऑफ वाटर, ठीक है? आप इस चीज से देख लें, एक सेल जो होता है, सेल में आपके पास हमारे पास 70 से 80% उसमें सारा का सारा क्या होता है, वाटर होता है. तो जब एक सेल जो है वो वाटर से बना हुआ है तो हमारी बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी भी जो है वो किससे बनी हुई है, मोस्टली किस चीज से बनी हुई है, वाटर से बनी हुई है, ठीक है? तो इस चीज से ही ये चीज क्लियर हो जाती है कि वाटर जो है हाउ मच इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अवर लाइफ, ठीक है? नियरली ऑल द लाइफ जो सस्टेनिंग केमिकल प्रोसेसेस हो रहे होते हैं इनटू योर बॉडी आउट ऑफ अवर बॉडी जो भी है दे नीड एक्वस वाटर, वाटरी एनवायरमेंट उनको चाहिए होता है, ठीक है? वॉटरी एनवायरमेंट जब उनको मिलता है तो वो रिएक्शन जो है वो इजिली या स्मूथली रन होते हैं, ठीक है? इसके अलावा जो वाटर है, आप जो भी फूड लेते हैं, अगर ड्राई फूड ले रहे हैं, कुछ और फूड ले रहे हैं, तो वो इट नीड्स वाटर टू एब्जॉर्ब इन टू योर बॉडी, ठीक है? उसको वाटरी फ्लूड होना जरूरी होता है ताकि वो फूड स्टफ आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो. जब तक वो वाटरी नहीं होगा तो वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा और वो वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो इसी तरह आपकी बॉडी में जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको भी वाटर चाहिए होता है बॉडी से एलिमिनेट होने के लिए. लाइक जैसे यूरिन फॉर्मेशन है, ठीक है? तो यूरिन में बेसिकली आपके पास क्या वाटर होता है जो कि यूरिया सार्स वगैरह को एलिमिनेट करता है. तो वाटर जो है इट इज इम्पोर्टेंट. इसके अलावा वाटर जो है इट ऑल्सो मेंटेन बॉडी टेम्परेचर थ्रू एवोपरेशन. जो से स्वेटनिंग होती है आपको तो जो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है वो भी किसके थ्रू होता है, वाटर से होता है, ठीक है? जो सीवियर डिहाइड्रेशन होती है वो आपके पास इट मे रिजल्ट इन कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स, ठीक है? जो डिहाइड्रेशन अगर होगी तो आपकी बॉडी जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर जो प्रॉब्लम है उनके चांसेस क्या हो जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है? तो वाटर जो है इस लिहाज से हम देखें तो इम्पोर्टेंट है. अगर अब आते हैं कि थोड़ा सा वाटर कितना चाहिए होता है, वाटर की रिक्वायरमेंट क्या है. एक एडल्ट ह्यूमन जो है इट नीड्स 2 लीटर वाटर पर डे. कितना वाटर चाहिए? 2 लीटर पर चाहिए, ठीक है? अब वाटर कहाँ 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 से ले सकते हैं? अब ये तो नहीं है कि आप पानी पीते रहें तो नहीं. इसके अलावा आप जो है वो कैसे वाटर इंटेक कर सकते हैं, जैसे नेचुरल वाटर लब है, इसके अलावा मिल्क है, जूसी फ्रूट्स वगैरह हैं, वेजिटेबल्स हैं, इन सब चीज़ों में भी वाटर होता है. तो ये सिर्फ ये नहीं है कि आप सिर्फ जो नेचुरल वाटर है वही पियेंगे तो उससे नीड पूरी होगी. आप बेसिकली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क वगैरह इस तरह की फ्रूट वाटरी चीजें खा कर उनसे भी वाटर की जो नीड है वो पूरी कर सकते हैं, ठीक है? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द वाटर इन एंड इफेक्ट्स ऑफ वाटर इन आवर बॉडी. सेकेंड थिंग इज द डाइटरी फाइबर्स. डाइटरी फाइबर्स दे आर ऑल्सो नोन एज रोफेज. डाइटरी फाइबर्स को हम क्या कहते हैं? रोफेज. दिस आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड दैट इज इनडाइजेस्टेबल. डाइटरी फाइबर इज द ओनली पार्ट ऑफ ह्यूमन फूड जो कि आपकी बॉडी में क्या होता है, इनडाइजेस्टेबल होता है. लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है? कैसे, हम थोड़ा सा इसको देखते हैं. सबसे पहले इसके कल देखें तो इट फाउंड ओनली इन प्लांट फूड्स में होता है एंड इट मूव्स अनडाइजेस्टेड टू स्टोमिक. पूरे के आपके पास स्टोमिक में, स्मॉल इंटेस्टाइन और कोलोन में अनडाइजेस्टेड जाता है, मींस डाइजेशन नहीं होती, ठीक है? 2 इसमें टाइप्स आ जाती हैं डाइटरी फाइबर्स की. नंबर 1 हमारे पास आ जाता है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर. इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स दे ट्रेवल क्विकली टू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है? ये हमारे इंटेस्टाइन से क्विकली जो है वो क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल. ब्रेकडाउन इनकी ब्रेकडाउन नहीं होती, ठीक है? इसके सोर्सेज जो है वो वीट, ब्रेन जो उसका छिलका होता है, सीरियल्स एंड स्किन्स ऑफ मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. दीज आर द सोर्सेज ऑफ इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स व्हिच ट्रेवल्स क्विकली फ्रॉम योर एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है? सेकेंड टाइप ऑफ डाइटरी फाइबर्स है वो हमारे पास है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स. सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स
बेसिकली दे ब्रेक डाउन एज इट वाज टू एलिमेंट्री कैनाल। यहाँ पे एक चीज आपने याद रखना है, डाइजेस्टेबल और डाइजेशन और ब्रेक डाउन में डिफरेंस है। ये ब्रेक डाउन तो होते हैं लेकिन डाइजेशन नहीं होती इनकी, ठीक है। तो इट ब्रेक डाउन एट इट पास टू एलिमेंट्री कैनाल। इसके जो सोर्सेज हैं दे आर ओट्स जो हैं, बीन्स, बार्ले एंड मेनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, वो आपके पास किसके सोर्सेज आ जाते हैं, सॉल्युबल डाइटी फाइबर्स के। तो ये तो दो टाइप्स थी। अब तो उसे देखते हैं कि अब जब हमने कहा कि दीज आर इनडाइजेस्टेबल, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होते, लेकिन फिर इनका क्या यूज है, कैसे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो सॉल्युबल जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, इट प्रिवेंट्स एंड रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन अगर कोई कंडीशन है तो ये उससे क्या करेंगे, प्रिवेंट करते हैं एंड उसको रिलीव करते हैं बाय स्टिमुलेटिंग द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ इंटेस्टिनल मसल्स, ठीक है। जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं जब फूड उसमें से पास आउट होता है। तो डाइटरी फाइबर्स हेल्प दीज इंटेस्टिनल मसल्स टू कॉन्ट्रैक्ट बाय स्टिमुलेटिंग द कॉन्ट्रेक्शंस, ठीक है। तो ये आपके पास एक चीज इसमें आ जाती है, डाइजेस्ट तो नहीं होते लेकिन जो उनकी हम कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन है वो आपके पास इंटेस्टिनल मसल्स कि वो कौन करते हैं, वो डाइटी फाइबर्स में हेल्प करते हैं, ठीक है। इसके अलावा डाइटी फाइबर्स का और ये फंक्शन है कि कॉन्स्टिपेशन को तो हमने कहा रिड्यूस कर रोकते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी डिजीजेज हैं उनके रिस्क को ये क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। लाइक जैसे सोलेबल फाइबर जो है वो आपके पास हेल्प इन लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड शुगर लेवल्स, ठीक है। तो सोलेबल्स हैं वो आपके पास हमारी बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स के एक मेजर रीजन है, उसको कम करने में एंड शुगर लेवल को कम करने में क्या करता है, हेल्प करते हैं। कौन से फाइबर्स, सोलेबल डाइटरी फाइबर्स, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपके पास है इनसोलेबल डाइटरी फाइबर्स, जो कि हमने कहा कि इट ट्रेवल्स क्विकली थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन्स। इनका फंक्शन क्या होता है, इनसोलेबल डाइटरी फाइबर जब ट्रेवल क्विकली ट्रेवल करते हैं तो इट ऑल्सो हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ कार्सिनोजेनिक्स कार्सिनोजेंस जो फ्रॉम इंटेस्टाइन। कार्सिनोजेंस हमारे पास क्या होते हैं, कार्सिनोजेंस बेसिकली आर द कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। कोई भी चीज जो कैंसर कॉज करती है उसको हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज कार्सिनोजेंस। तो अगर आपके एलिमेंट्री कैनाल में या आपके जो डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं भी कोई कार्सिनोजेन प्रेजेंट है तो जो इनसोलेबल डाइटरी फाइबर्स हैं वो कार्सिनोजेंस को मूव करने में हेल्प कर देते हैं, मूव करने में उनको मूव करवा देते हैं फ्रॉम योर बॉडी ताकि वो जल्दी एलिमिनेट हो जाए। वो खुद ट्रेवल जल्दी करते हैं तो इसके साथ में कार्सिनोजेंस भी क्या करते हैं, क्विकली ट्रेवल कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ इसके जो इफेक्ट्स हैं डाइटरी फाइबर्स के वो बॉडी पे हैं, ठीक है। अच्छा अब जो है वो इसको कहाँ कहाँ से वो बेसिकली फूड फाइबर जैसे सप्लीमेंट्स एंड सक्सेस फॉर होल हाथ वगैरह ये सिर्फ आपके पास फिजिशियन की रिकमेंडेशन पे ही यूज करने चाहिए, ठीक है। अगर आप ये ज़्यादा या कम होगा तो ये चीज़ें आपकी क्या होंगी, डिस्टर्ब होंगी, ठीक है। अगर ये इसको टेकन प्रॉपरली अगर लिया जाए तो ये आपके पास कॉन्स्टिपेशन और लोअरिंग ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल लो करने में बेसिकली हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज़ जो थी वाटर एंड डाइटरी फाइबर्स की थोड़ी सी बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूजन थी तो मैंने इसको बता दिया। इससे बाकी जो चीज़ें हैं वो तो आपने पहले से ही पढ़ी हुई हैं, मैंने खुद कितनी दफ़ा पढ़ाई हुई है। तो अगर फिर भी किसी को कोई बात नहीं समझ आ रही तो वो अभी मुझसे पूछ सकता है, या कोई और टॉपिक है जो नहीं समझ आ रहा तो आज आपकी ये लास्ट क्लास है तो बता दो, फिर उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, अभी टाइम है हमारे पास।